أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اچھا جی پچھلے ٹاپک میں دو الفاظ تھے کئی اور اذن بہت کم مستعمل ہیں کتب میں بھی ان کی مثالیں جو ہیں نا وہ نارمل اسپوکن عربک میں اس سے لے کے دی گئی ہیں تو جب کبھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے آج کا ٹاپک ہمارا ہے جو نیا ٹاپک ہے حروف علت الف واو یا علت بیمار علیل تعلیل جو نکل جاتے ہیں لیکن ان کو عربی زبان میں بیمار حروف ڈکلیئر کیا گیا ہے ٹھیک ہے حروف صحیح اور حروف علت جو تندرست ہیں وہ اس کے علاوہ باقی سارے تندرست ہیں صحیح ہیں اور یہ حروف علت ہیں ٹھیک ہے اگر حروف کے اعتبار سے کلمات کی جو ڈوین کی جائے نا تو ہم یہ کہیں گے جب ہم نے یہ کہا کہ علت کے اعتبار حروف علت الف واو یا ہیں تو جو حروف تہجی ہیں ٹوٹل 28 اس کا مطلب ہے ہم نے ان کو ڈیوین کر دی ایک گروپ یہ بنا دیا اور ان کے علاوہ باقی سارے حروف صحیح ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر باقی سارے حروف صحیح ہیں تو ان کی آگے تین اقسام آئیں گی اور ان کی بھی آگے تین اقسام آئیں گی بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹاپک اچھا جی صحیح میں سے وہ ہوں گے سالم محموز اور مضاعف یہ الفاظ اپنے معنی کے اعتبار سے ڈیفینیشن دے رہے ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اور ادھر آئے گا علت کے اعتبار سے مثال اجوف اور ناقص اگر الف واو یا آیا ہے تو وہ تو علت میں یا مثال ہوگا یا اجوف ہوگا یا ناقص ہوگا لیکن اگر یہ حروف نہیں آئے تو وہ سالم ہیں تو وہ اس شکل میں ہوگا ایک مثال یہ لے لیتے ہیں دارابا ایک مثال لے لیتے ہیں آمارا محموس سے مراد حمزہ ہے محمود سے مراد ہے حمزہ والے حروف ایسے کلمات جن میں کوئی ایک حرف جو ہے وہ حمزہ ہو تو آمارہ میں کیا ہے کوئی ایک حرف جو ہے وہ حمزہ ہے پہلا حمزہ ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے الف جب اکیلا ہو تو الف ہوتا ہے جب وہ متحرک ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ یعنی یہ الف ہے جب اس کے اوپر جزم بھی آ جائے زبر آ جائے پیش آ جائے اور زیر آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں تو یہ حمزہ ہے حمزہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح ہی لکھا جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے
ठीक है। अरबी ग्रामर में अलिफ के ऊपर ऐसे हमजा डाल के ऐसे लिख दिया जाता है हमारा। और तीसरी किस्म जो रह गई है वो ये है कि ऐसा कलमा जिसमें ना तो हमजा हो, ठीक है, हमजा ना हो, और कोई दो हम जिन्स हरूफ उसमें इकट्ठे आ जाए। है ये, इसमें हमजा नहीं है लेकिन दाल और दाल दो हरफ इकट्ठे, मुदाफ है ना, मतलब ज्यादा करना, दुगना करना, दाफा युदाइफु, वो है ना युदाइफु सुम्बल, वो एक जो है उसकी सुम्बल कहते हैं ना इसकी बाली को, बालियां दुगनी हो जाएं या कई गुना बढ़ जाना, दोनों माने में आता है, दुगना होने के माने में भी और कई गुना बढ़ जाने के माने में भी आता है। तो जी बिल्कुल आएगा, और आपने क्या कहा, कासासा, किस्सा बयान करना, ठीक है। आमारा दूसरा क्या लफ्ज है, साला, तीसरा क्या लफ्ज है, कारा, सालम क्या होगा, नहीं, दूसरा जी साला, इसको आप अलिफ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, उस कैटेगरी में नहीं आएगा वो, तो मैंने अभी एक लफ्ज बोला है, जब अलिफ बगैर हरकत के होगा तो अलिफ होगा, तो हरूफ़ इल्लत अलिफ है, अलिफ वाव या, ठीक है। अच्छा जी, दाराबा, नासारा, वाजादा, सॉरी वाजादा नहीं आएगा इसमें, वाजादा नहीं आएगा ना, वाव आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखें, कोई और भी काताबा जी, या कोई भी छः अब आप कोई भी लफ्ज़ लिख लें, काताबा, सही है जी। तो ये है इनकी डिवीजन, आप कोई भी लफ्ज़ आपके सामने आ जाएगा तो आप उनको, अगर वो इल्लत नहीं है तो इन तीनों में से कोई एक है, ठीक है, अगर इल्लत नहीं है उसमें तो इन तीनों में से कोई हो, अगर कारा आया तो आप कहेंगे। अच्छा आगे इनकी इस भी, इसकी आगे मजीद कोई डिवीजन नहीं है, ये सालम है, कुछ भी लफ्ज आ सकता है, इन भी की भी आगे कोई डिवीजन नहीं है। मादादा यानी फा कलमा अकेला होगा और आइन और ला कल, लाम कलमा हम जिन्स होंगे, ये नहीं हो सकता कि पहले दो कलमे हम जिन्स आ जाएं, यानी दादा मा नहीं होगा, ये हमेशा पहला अकेला होगा, डिफरेंट होगा दूसरे दोनों से, दूसरे दो जो हैं वो हम जिन्स होंगे, मतलब मादादा है, दौलाला है, जैसे आपने ये एग्जांपल दी हैं, कौसासा है, और क्या है, वदादा है, और कई वद्दा यवद रुबामा यवदुल्लजीना वद्दादा जी, वो वाओ आ गया। अच्छा कोई कोई कलमा एट ए टाइम वो इल्लत में भी आ सकता है और मुदाफ भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि अगर वादादा है तो वादादा में पहली वाओ तो इल्लत है तो वो मिसाल में भी आएगा, इसके कानून भी उसके ऊपर लागू होंगे, और उसमें आगे दो कलमे डबल हैं तो वो मुदाफ में भी आएगा, तो इसके कानून भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन वो सही नहीं कहलाएगा, वो सही नहीं, हाँ नहीं सही नहीं कहलाएगा, वो इसमें आएगा, सही इन द सेंस के सही की एक किस्म मुदाफ में आएगा, महमूज और सालम में नहीं आएगा, वो दो दो हमजिन्स होने के नाते इस किस्म में आ जाएगा, क्योंकि इसका कानून अप्लाई होगा, वादादा को वद्दा करना है, दाल के ऊपर शद लानी है, तो इसके कानून के अंदर वो आएगा। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई सवाल है आपका पास, कोई भी लफ्ज़ है तो आप उसको पहचान लेंगे कि वो कौन सी शक्ल में है। अच्छा आगे ये ज़रा मैंने एग्जांपल वैसे दे दी हैं, इसकी आगे तीन एग्जाम हैं, इसको हम कहेंगे
महमूजुल फा, अल ऐन महमूज आगे अंडरस्टूड है, ठीक है जी। और तीसरी है लाम, महमूज अल लाम, आप देख रहे हैं फा कलमा है तो वो महमूज अल फा है, अगर आइन कलमा है तो वो महमूज अल आइन है, अगर लाम कलमा हमजा है तो वो महमूज अल लाम होगा। तो ये इनकी एक डिफरेंशिएशन है पहचान के हवाले से, उनको नाम दे दिया गया है जी। हाँ यहाँ पे आ जाए, जिस लफ्ज में फा कलमा हरूफ़ इल्लत है उसको कहेंगे मिसाल। एक चीज मुझे जस्ट पता करना जी, इन दो में फर्क क्या है, पहला वाला सालिम है और मिसाल। इसमें दो हम जिन हरफ इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी, तीनों हरफ मुख्तलिफ हरूफ होंगे। इसमें दो सेम आते हैं, इसमें दो हम जिन इकट्ठे आ अराब जो मर्जी अराब बुआब के मुताबिक आएंगे। अच्छा, अराब लेना जो जबर जेर पेश लेना है वो उनकी ड्यूटी है अबुआब की कि वो क्या लेंगे, जरूरी नहीं है वो वादादा ही हो। मसलन कोई लफ्ज कारोमा पे की आ जाता है तो इसको कासूसा पढ़ेंगे, फिर वो अपने बाब की शेल्टर के तले होगा। सिर्फ हरफ का रिपीट होना इसकी अहमियत है, वो मैंने बताया ना, वो बाब की पहचान है उसमें, ठीक है जी। आगे ये वालादा है, एक लफ्ज आ गया है कावाला, एक लफ्ज आ गया दावा। तो आप देख रहे हैं इनको, जब फा कलमा हरूफ़ इल्लत वाओ था तो उसको हमने कहा मिसाल, अजवफ में क्या है इसकी तरतीब, आप अगर इस तरह याद रख लेंगे ना मिसाल अजवफ नाकस तो आपको अंडरस्टूड है। मिसाल में फा कलमा हरूफ़ इल्लत, अजवफ में आइन कलमा हरूफ़ इल्लत, नाकस में लाम कलमा, सही है। तो चूंकि इन तीनों में हरूफ़ इल्लत कौन सा आया है, तो इसलिए इसको कहेंगे मिसाल वावी, इसको कहेंगे अजवफ वावी, इसको कहेंगे नाकस वावी, वाव वाली। यानी अगर ये नाकस है तो नाकस का मतलब है इसका लाम कलमा हरूफ इल्लत है। अच्छा जी, इल्लत है तो कौन सा इल्लत है, अलिफ है, वाव है या है, तो वावी मींस वाव है, या मींस मतलब एक लफ्ज है या सारा, तो क्या हो गया इसमें कौन सा कलमा हरूफ इल्लत है, फा, तो मिसाल याई हो जाएगा। अगर दूसरा एक कलमा है बाया बेआ जो बेचना है तो वो क्या होगा, इसमें ये अजवफ याई बन जाएगा, ठीक है। एक आखिरी कलमा है नाकस याई होगा, तो कौन सा कोई है आपके जहन में, कदाया, ठीक है। रोयतुन रवाया वो भी होगा, ठीक है जी। तो ये है हमारी जो बेसिक पहचान है, इसके आगे एक और किस्म के भी हरूफ आएंगे जिसका मैं जिक्र अभी कर देता हूँ, वो भी हैं, उनकी भी डेफिनेशन आएगी, उसको हम कहते हैं
लफीफ, लफीफ जी नहीं, अलिफ जो है वो हरूफ़े इल्लत में जो मादा है उसमें अलिफ नहीं आता, जो मादा है। मादा मस्दर जो है ना, अच्छा। वो उसमें अलिफ उसका हिस्सा नहीं होता, अच्छा। तो इसलिए अलिफ को, अलिफ आएगा जब हम वाओ को बदलेंगे तो अलिफ से बदलेंगे, लेकिन अलिफ किसी मादे का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हरूफ इल्लत है, लेकिन किसी भी मस्दर में आपको कोई मस्दर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अलिफ आए, चूंकि उसको हरकत आ जाती है, तो हरकत आ जाए तो वो हमजा हो जाता है, तो वो इधर चला जाता है। ज्यादातर उसको हरकत आ जाती है, मतलब आती है, 100% आती है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें अलिफ आए रूट वर्ड में। तो इसको फिर हरूफ इल्लत में क्यों डाला गया? इल्लत में क्यों डाला गया है? वो हरूफ तहजी का हिस्सा है। वाओ को इल्लत में क्यों डाला है, या को इल्लत में क्यों डाला है, ये आगे जाके आपको खुद भी क्लियर होता जाएगा। तो अरबी का देखे ना, ये चीज़ें मैं ऑलवेज कहता हूँ कि दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अरबिक ग्रामर आर डिराइव्ड फ्रॉम कुरान, ये कुरान पाक से डिराइव किए गए हैं, पहले कवानीन मौजूद नहीं थे, कवानीन बाद में लिखे गए हैं। हज़रत अली के रज़ी अल्लाह ताला उन्हों के कहने पे, पहले भी एक बार अबू अल अस्वद अल आइली नाम है उनका, उनको हुक्म दिया गया कि आप मुरतब करना शुरू करें, उन्होंने पहली किताब सरफ़ नहव पे के ऊपर लिखे थे, लिखना शुरू किया था, क्योंकि लोगों ने जब कुरान अजम में, अरब से अजम में निकला, तो कुछ अल्फाज ऐसे बोले गए जिनका माना उल्ट हो जाता, तो उन्होंने उसी वक्त अहमियत महसूस की कि ज़ेर ज़बर पेश जो है ना वो हमें इनके लिए लगाना पड़ेगा, इनको समझाने के लिए, ताकि प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो करें और माने उसके सही वही रहें, माना उल्ट ना हो जाए। जैसे देखें ना, अक्सर मैं लफ्ज़ है वो, अच्छा चले वाजारा, और ये भी है एक, ये तो तजवीद के नुक्ता नज़र से है ना, ठीक है, तो वाजारा 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 वाजारा, जाल है और जा है, तो माने में बेशुमार फ़र्क है, बोझ। अल्लाह ताज़िरु वाज़िरा तुम विज़रा उख़रा, वो जा है जी, नीचे वाला जो इसका मतलब बचना है, हाँ, छोड़ देना, तर्क कर देने के माने में आता है, तर्क कर दो भैया। ये जो है ना, ये ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत जब जुड़ते हैं तो ये जबान आके इसको टच करती है, तो यहाँ से जा अदा होती है, जा वज़रा, ज़ा सीन सौद, ये हरूफ सफीरियाँ हैं, सीटी वाले इनको हरूफ कहते हैं अरबी ग्रामर में। इनका मखरज है सनाया उलिया और सुफला, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो पीछे से आगे ज़बान टच करती है उनको, तो ये तीनों का आपस में मिलाप जो है एक सीटी की आवाज़ जो है वो क्रिएट करता है, इसलिए इनको सफ़ीर सीटी को कहते हैं, इन हरूफ को कहते हैं सीटी वाले हरूफ। ज़ा देख रहे हैं आप, ज़ा सीन सौद, सीन और सौद में फ़र्क सिर्फ पतला और मोटा होना है, मखरज इनका सेम है। तो इसी तरह ज़ाल जो है वो अलहदा है इससे, मखरज के एतबार से वो होगा ज़ाल, ज़ाल। ये ज़बान जो है आके सनाया उलिया, सनाया उलिया कहते हैं, उलिया से मुराद ऊपर वाले, सनाया दो, ये जो ऊपर वाले दो दांत हैं इनके साथ आके ज़बान पीछे से थोड़ी सी टच करे, वो समझाने के लिए थोड़ा सा मतलब मुबालगा कर लिया जाता है ज़ाल, लेकिन असल में आगे बस टच कर जाती है वो ज़ाल, उसके नीचे वाले यानी दांतों के नीचे आके, पीछे नहीं, ज़ाल जो है वो पीछे रहती है ज़बान, आपस में दांत ने मिल जाना है ना, उनको
ज़ा, तो ज़ुबान कहाँ इन दोनों के दरमियान आएगी, कट जाएगी, ज़ा। तो ज़ाल के लिए दोनों के दरमियान में मैं ज़ुबान को ज़ाहिर कर रहा हूँ, ज़ा 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 ज़ा, ठीक है जी। चले बात कहीं और निकल गई, तो आगे लफीफ है। लफीफ क्या है जी? लफीफ वो हरूफ होते हैं जिनमें इनकी दो किस्में हैं, मफरूक और मकरून। मफरूक वो होते हैं, मतलब एक लफ्ज़ है वहाया, जी एक लफ्ज़ है कवाया। इनमें फर्क देख रहे हैं आप? ऐसा लफ्ज़, ऐसा कलमा जिसमें दो हरूफ़ इल्लत आ जाएं, यहां तो आए थे एक एक, ये इसकी तरह है। जब हरूफ़ सही दो आ जाएं तो वो मुदाफ कहलाता है, जब हरूफ़ इल्लत दो आ जाएं तो वो लफीफ कहलाता है। तो लफीफ किस शक्ल में कि अगर तो उसके दरमियान में एक सही कलमा आ जाए, और ये मफरूक से आप याद रख लें फ़र्क, फ़र्क किए हुए, फल साहब समझ रहे हैं आप जी, इसमें फर्क है। सेंटर में एक सही कलमा आ गया, दोनों को उसने जुदा कर दिया, फ़र्क कर दिया दोनों में, ये दोनों मिले हुए हैं मकरून में, इन मिले हुए मतलब साथ, कर्न ज़माना होता है ना, हम कर्न एक ही ज़माने के, तो मफरूक फ़र्क वाले, वाह और या के दरमियान हा आ गया तो इसको मफरूक कहेंगे। कल को अगर आपके सामने मैं कोई लफ्ज़ लिखता हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये लफ्ज़ जो है ये मफरूक है या मकरून है, बड़ी आसानी से। अगर उसके दोनों हरूफ़ इल्लत मिले हुए हैं वो क्या होगा, मकरून होगा। अगर वो दोनों जुदा जुदा हैं, फा कलमा और लाम कलमा है, तो वो मफरूक होगा। तो ये इस तरह आएगा, तो इनकी बहस इंशाल्लाह आगे आती है। ये है कामल, इसके ऊपर हरूफ इल्लत के ऊपर एक कंप्लीट इसकी डिस्कशन। इनके अलावा आपको कोई हरफ नहीं मिलेगा, इसी शक्ल में ही कोई ना कोई लफ्ज आएगा। तो अगर एतबार इसको तकसीम के एतबार से देखें तो सही की आगे तीन इकसाम, तीन में से सिर्फ महमूज की आगे मजीद तीन, वो तीन इस हवाले से हैं कि फा कलमा है हमज़ा या आइन कलमा है हमज़ा या लाम कलमा है हमज़ा। और इसमें क्या है, हरूफ इल्लत के एतबार से अगर फा कलमा है तो वो मिसाल होगा, अगर आइन कलमा है तो अजवफ होगा, लाम कलमा है तो वो नाकस होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सालम को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है जी। हरूफ इल्लत के कवायद में सबसे बुनियादी जो रूट वर्ड है, वो जो प्रिंसिपल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डिमांड के एतबार से वाओ का माकबल पेश के साथ होना चाहिए, अलिफ का माकबल ज़बर के साथ होना चाहिए, और या का माकबल ज़ेर के साथ। ये पेट रूल है, जो ही ये कलिमात जो है ना आपको कहीं भी मिलेंगे तो इन असूल, इस बुनियादी असूल को जो है वो मद्दनज़र रखा जाएगा। वैसे भी तजवीद में भी ये सेम कानून है, जब तजवीद में इनको हरूफ मद्दा कहते हैं, तजवीद में इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है, अलिफ वाओ और या यही हरूफ हैं, और अलिफ का जब माकबल ज़बर के साथ हो तो अलिफ को मद्दा किया जाता, मद्दा कहते हैं लंबा करना, खींचना, वो कहते हैं ना मद्दा ज़िल्लाहुल आली, इसका माना ये है कि साया को अल्लाह लंबा करे, ठीक है। वाओ के क्या है, वाओ के पीछे पेश हो तो उस वाओ को मद्दा किया जाएगा,
खींचा जाएगा। नॉर्मली वाव को किसी अरफ को एक हरकत के बराबर पढ़ा जाता है, लेकिन जब इस वाव साकन का माकबल पेश के साथ हो तो उसको दो हरकात के बराबर लंबा किया जाता है, या कि पहले जेर हो तो उसको दो हरकात के बराबर लंबा किया जाता है। अच्छा, तजवीद हम ग्रामर पे रहते हैं, तो ये है इसका बेसिक रूल। इस बेसिक रूल की एग्जांपल एक लेते हैं, मसलन एक लफ्ज़ है, अच्छा जी अबवाब आपने याद रखने हैं, नासारा यंसुरु, ठीक है। मसलन एक लफ्ज़ है हमारे पास कावाला, इसको हम कहते हैं कौल लफज है, इसको हमने बाब नासरा यंसुरु पे फिट करना है, सही है। तो कैसे फिट किया जी, अगर नासरा है तो ये काबूला हो सकता है नहीं, ना ये काबिला हो सकता है, ये कावाला ही होगा। और दूसरा क्या होगा, किसी भी लफ्ज़ को किसी भी कलमे को जब बाब के ऊपर फिट करेंगे तो भले ही वो शक्ल से सही नज़र ना आए आपको, लेकिन हमें पढ़ना उसी वज़न पे ही पड़ेगा, स्पेशली हरूफ इल्लत के एतबार से। तो फिर उसके अंदर जो तब्दीलियाँ रूनमा होंगी उसको हम देख लेंगे। बस एक लफ्ज़ है वज़ारा, फिर एक लफ्ज़ है वाजारा। ये वाजारा जो है ये है बाब दाराबा से, ये है बाब फातहा से। दाराबा में क्या होता है, पहला यद्रिब, दाराबा माजी, और क्या होता है इसको और इसका आइन कलमे के नीचे यहाँ पे क्या आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया है, ठीक है। अच्छा, तो बाब उसकी शक्ल जो है वो तब्दील कर देगा, पहले तो हमारा जो वाओ है ना, अच्छा यहाँ पे आए ये कोई तब्दीली नहीं आएगी, वाजारा वाजारा ही रहेगा, क्योंकि तब्दीली किसने पैदा करनी है, हरूफ़ इल्लत के माकबल ने, इस कानून के तहत हरूफ़ इल्लत के बाद वाले के ऊपर ज़बर है ज़ेर है पेश है उसका कोई कंसर्न नहीं है। पहले जो है अब इसको हम इसी कानून को इस तरह भी एक्सप्लेन करेंगे, डुअल वे से देखेंगे। मफ्तूह हरफ के बाद क्या होना चाहिए, मज़मूम हरफ के बाद क्या होना चाहिए, मकसूर के बाद या के पहले कसरा उल्टा, और वाव से पहले जम्मा, और अलिफ से पहले फतह। तो यहां पे ये कानून आपका फिट नहीं हो रहा, अपने कानून कवायद के मुताबिक नहीं है। कैसे कि मफ्तूह हरफ के बाद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वाव है, तो ये है भी इल्लत, बीमार है, सही नहीं है कि जिसको हम कहें नहीं नहीं ठीक है, इल्लत है तो गारंटी होगी कि इसको हम बदल सकते हैं, इल्लत ही को बदलेंगे और सही को नहीं बदलेंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है जी कानून, कि जब ये कानून है, ये मैं आपको लिखे हुए इंशाल्लाह दूंगा, हैंड ओवर करूँगा मैं, बताने तक मुझे याद हो जाए जी, मुझे बताने दें जी, बोले क्योंकि उससे पहले जो है वो सुकून आ रहा है तो जो दम्मा है वो सुकून से रिप्लेस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन बोलनी है हमेशा आपने, कि जब हरफ़ इल्लत आइन कलमा, ये आइन कलमा है ना जी, आइन कलमा हो और उसका माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को देगा, ये कानून है आइन कलमे के लिए, वाव के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, हमने उसको गिराया क्योंकि उसके ऊपर
जी हाँ, उसके अलफ के रुपये। यहाँ पे क्या होगा, इस वाव मुतहर्रिक का मा कबल साकन है जी, तो ये है भी आइन कलमा, तो ये अपनी हरकत मा कबल को देगा। वाव के ऊपर जो जम्मा था उसने किसको दिया, काफ को, तो ये लफ्ज बन गया यकूलो। अभी इसमें कोई उसके ऊपर साकन को किसके ऊपर वाव साकन है ऑलरेडी, तो वाव साकन की डिमांड क्या है, पीछे दम्मा हो तो है, इसको अलफ से बदलने की जरूरत नहीं है, या से बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये लफज कावाला से काला बन गया और यकूल यकवुलू से यकूलू बन गया। इसी तरह सारे हो जाएंगे लफज। मतलब कौल है, नौल है, नून वाओ लाम मादा नौल है, क्या करेंगे, नाला ये नालू। अच्छा अभी ये बात है कि ये नालू क्यों हुआ है, ये नूलू क्यों नहीं हो गया, ये आपके सवाल आना चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन से पहले ये बात कर लेता हूँ, ऊपर लिख लेते हैं। वो क्या है, ये लफज था नावाला, ये लफज बना यन वालू, क्योंकि ये बाब फातहा यफ्ताहु से है। ये जो लफज नावल है ये इसका बाब फातहा यफ्ताहु है, यन वालू है वो, यन वालू नहीं है इसलिए। हाँ जी, तो अगर बाब फातहा यफ्ताहु होगा तो उसी इस कायदे को एक्सप्लेन करने की जरूरत है दोबारा, कि वाओ हरफ इल्लत है, उसका माकबल मफ्तू है, तो या तो दो कंडीशन हो सकती है ना, या तो वाओ से पहले हम ये जम्मा ले आए, तो जम्मा क्यों नहीं ला रहे हम इसके ऊपर, हरफ सही है उसको तो हमारे तब्दील करने की हमारी मजाल ही नहीं है, तो दूर बीमारी को किया जाता है, तो इल्लत को उस हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से तब्दील किया जाए, सही है। वो यही कानून यहां पे भी अप्लाई करें, क्या कि आइन कलमा हरफ इल्लत मुतहर्रक है और उसका माकबल साकन है, तो क्या करेंगे, ये इस वाव की फतहा जो है हमने नून को दे दी, ठीक है। यहां वाव लिखने से पहले मैंने सोचा कि मफ्तू हरफ के बाद मैं वाओ लिख सकता हूं जो लिखी हुई है, तो ये अलफ बन गया, लाम पेश लो वो सेम रहे, दो ट्रीटमेंट हुए ना, दो स्टेप्स, समझ आ गई। यनालु रिप्लेस नहीं किया था क्योंकि इधर वाओ था उसके पीछे, ऑलरेडी वाओ था, ऑलरेडी था, इधर रिप्लेस कर दिया क्योंकि वाओ, इधर रिप्लेस नहीं किया कि इसको कहते हैं वाओ मुआफक हरकत की थी, वाओ के मुआफक हरकत थी जो वाओ को एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे ये वाओ को एक्सेप्टेबल हरकत नहीं थी, ये जबर आई है। इल्लत वाले हरूफ जो है वो पिछले लफ्ज को भी उसकी हरकत भी देखते हैं पीछे, मैं पहला सबसे बेसिक कानून ही बताया, ये दोनों तरफ से देखते आगे भी पीछे, ठीक है जी। तो ये क्लियर हुआ बात, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्लियर, आगे चलते हैं वादारा। अच्छा इसमें भी एक कानून है, जब जैसे वो मैंने बताया ना कि आइन कलमा मुतहर्रक हो और उसका माकबल साकन हो तो वो अपनी हरकत माकबल को दे देता है, ठीक है जी। तो जब फा कलमा हरफ इल्लत आ जाए, ठीक है फा कलमा हरफ इल्लत आ जाए और उसका माकबल और माबा दोनों मुतहर्रक हों तो वो हजफ हो जाते हैं। यहां पे वालादा भी लिख लेते हैं, ये क्या था, वालादा या वलीदू, ऐसे पढ़ना ज्यादा बेहतर है क्योंकि यन या दरीबू है ना, वालादा या दरीबू, तो या वलीदू हो तो ये यौल बन जाएगा, ठीक है पढ़ने में, लेकिन वो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि वो वजन हमें एक वजन का पता चले, ठीक है। हर तो क्या हुआ यहाँ पे, आइन कलमा सॉरी फा कलमा हरूफ इल्लत मा कबल मा बा दोनों मुतहर्रक वाओ हजफ, वाओ हजफ या लिदू,
ये ट्रीटमेंट फा कलमे के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये लफ्ज कहाँ यूज हो रहा है, वजारा याजीरू, याजीरू ताजीरू, रब्बी ला तजर नी, ये कहाँ है, ये है वो, वहाँ पे सेम कलमा बाब फातहा यफ्ताहू से यूज़ हुआ है, रब्बी ला तजर नी फरदं व अंत खैरुल वारिसीन। तजर ला आ गया है, फेले मुजारे से पहले ला आ जाए, तो अगर वो ला आकर लाम कलमा को साकन कर दे तो वो कौन सा ला होता है जी, लाए नहीं है वो, लाए नहीं है। तो उसमें लाए नहीं की डेफिनेशन क्या है, लाए नहीं हरफ को चेंज नहीं, नहीं लाए नफी की में क्या नफी हरफ को चेंज नहीं करता, नफी हरफ को चेंज नहीं करता और नहीं कर देता है, ये तो हो गई लफ्जी तब्दीली। और मानवी तब्दीली क्या होती है, लाए नफी में किसी काम के ना होने की खबर दी जाती है, इत्तला दी जाती है, बताया जाता है, और लाए नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है। तो बड़ा छोटे को दे तो वो हुक्म है, और छोटा बड़े को दे तो वो इल्तजा है। तो ये लफ्ज सेम है, हुक्म ही है, लाए नहीं ही है, लेकिन चूंकि इंसान रब को कर रहा है तो इल्तजा बन गई, रब्बी, वो रब्बी जो लिखा हुआ है ना वहां पे, वो ये है, असल में ये है, तो हजफ होके ये ऐसे लिखा हुआ है, ये या हजफ हुई हुई है, ए मेरे रब, ला तजर ना छोड़ना, नी आगे फिर या आई है, मुझे फरदन अकेला, फरदम वह अंता और तू खैरुल वारिसीन बेहतर वारिस अता करने वाला है, ठीक है जी। वजारा याजीरू ताजीर ये मुझे नहीं याद आ रहा कुछ इसकी एग्जांपल, मैंने आपको सिर्फ इसकी जो है ना दोनों अबवाब से डिफरेंट जो शक्ल है, अगर वो कहीं एट ए टाइम कुछ अल्फाज जो हैं वो दो अबवाब से आ सकते हैं, ठीक है। तो ताज़ीरों की मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं है, बहरहाल अगर कहीं भी आएगी तो हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। तज़र तज़र वज़ारा याज़ीरू याज़ीरू, बहरहाल अगर इसी लफज को उस पे ले जाएं, वालादा यालिदु हो गया, एक और कर लेते हैं मसलन ये है, तो ये वाजारा जो बोझ है वो है दौत से, ये जो बोझ है ये दौत से है, ये क्या बनेगा, तो वही जो दोनों मुतहर्रक के दरमियान हरूफ़ इल्लत फा कलमा वाव है, तो ये बन जाएगा यज़ीरू तज़ीरू, वो जो भी हमने आयत पढ़ी है, अल्लाह तज़ीरू वाज़िरतुं विज़रा उख़रा, ये तज़ीरू है, ये सूरा नजम की आयत है, उसमें भी है और भी कहीं बनी इसराइल में भी, इसमें भी आती है लेकिन यहाँ पे है। तो वाज़ारा याज़ीरू तज़ीरू, सही है जी, कुछ पल्ले पड़ा क्योंकि आपने पहले भी बीच बीच में बताया, बीच बीच में ये अल्फाज बताए हुए, याद इसलिए कि 49 या 30 मैं आज देखा था तो उसके अंदर जी हाँ जी हाँ। बहरहाल इसको हम थोड़ा सा 2-3 लेक्चर इस पर लेंगे, इसके मिसाल की आज हमने बात की है, फिर अजवफ की करेंगे, फिर नाकस की करेंगे, फिर उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर हरूफ़ इल्लत वाले हरूफ को मज़े एक लफ्ज़ है वाकया, ये कौन सा है, ये तकवा वाला ही है, लेकिन है ये कौन है, इसकी अपनी इकसाम में से किस किस्म पे फिट बैठता है, जो वाले लफ्ज लफीफ मफरूक, ये लफीफ मफरूक है इसके ऊपर, या जी तो ये इसमें फिट आएगा, इससे हम अलमुत्तकीन बनाएंगे इंशाल्लाह, मतलब जब इसकी बारी आएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि इन्हीं हरूफ को हम अगर
उस पे फिट कर देते हैं, बाबे इफ्तिआल पे, बाबे इफ़ाल पे, बाबे तफ़ईल पे, तो इनकी शक्ल क्या हो जाती है? बुनियादी कवायद जो हैं वही तब्दीलियाँ रूनमा होंगी जो कवायद के तहत हैं, कवायद के मुताबिक हैं। ठीक है जी, हम लोग ये भी करेंगे अगर लाम कलमा जो है वो हुरूफ़ इल्लत हो तो फिर जैसे ये रबी के अंदर लाम कलमा जो है वो हुरूफ़ इल्लत है जी, तो आपने इसको हज़्फ़ कर दिया है। जनाब अली ये आप याद रखें अच्छा किया है ये जो है ना या ये हरफ इल्लत नहीं है, ये या इसमें ज़मीर है, जो जब या को इसमें ज़मीर लेंगे तो वो हरफ़ इल्लत वाली सफ़ से बाहर निकल जाएगी। ये तो बड़ी बेसिक बात थी, अच्छी अच्छा हुआ एम माशाल्लाह शाबाश। ठीक है, तो ये या जब इसमें ज़मीर के तौर पर आएगी तो ये, और बेशुमार जगह पे मसलन आपको पता है यही ले लें, ये क्या है नाला यकूलू यकूलू यकूल आने चले, ये है इल्लत ही लेकिन ज़मीर बन गई है। तो जब इल्लत ज़मीर बन जाएगी तो फिर हम इल्लत को नहीं छेड़ेंगे, तो उसको नहीं। बाज़ुकात क्या होगा मसलन यही लफज आ जाता है मेरी बात सुना यकवुलूना, तो ये दो वाव हैं, ये वाव है और ये वाव है तो ये भी इल्लत, लेकिन ये इल्लत ज़मीर पे आ गई है, ये कभी हज़फ़ नहीं होगी, ये हज़फ़ होगी जो इल्लत के एतबार से हरफ़ इल्लत कलमा हरफ़ इल्लत वाले कलमा का हिस्सा होगी वो हज़फ़ होगी, ये नहीं हज़फ़ होगी, चाहे वो हरफ इल्लत वाले कलमे में आए चाहे वो हरूफ सही वाले कलमे में आए। कल को आपने ये भी नहीं कह देना कहीं कि एक लफ्ज़ है दाराबाद यद्रिबू यद्रिबू यद्रिबान यद्रिबूना, तो यद्रिबूना में वाव है ना, तो क्या ये इल्लत है? नहीं, ये इसमें ज़मीर है।